वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 90 करोड़ की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने 26 मई को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को तलब कर लिया। साबिक एमडी अहमद शहरयार और मुअत्तल एमडी इमरान नूर तलब, मौजूदा एमडी नूरुल हक और दीगर अफसरान को भी तलब कर लिया। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, आम खास बाग और बागलांगे खान को ईद से कबल अवाम के लिए खोलने का फैसला। बास में तरक्याती काम मुकम्मल, ईद से एक हफ्ता कबल पार्क खोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को जाते जाते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की बहाली का ख्याल आ ही गया। 25 अजला में डीएचक्यू अस्पतालों की तजीनो आराइश और बहाली की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की बहाली और मंसूबे की हंगामी मंजूरी के लिए इजलास तलब। वजीर आजम पाकिस्तान शायद खाकान आबासी 26 मई को मुल्तान आएंगे। हतमी शेड्यूल मिलते जिले इंतजामिया की जानिब से सफाई के काम शुरू कर दिए गए। वजीर आला पंजाब का भी 26 मई को मुजफ्फरगढ़ का दौरा मुतवक्के। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तजकिश अस्पताल के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह और जलसा आम से खिताब करेंगे, जबकि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का 27 मई को बहावलपुर का भी दौरा मुतवक्के। शहर भर में बैनर्स और फ्लेक्सिस अवेजा। वजीर आला मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे और मनसूबे के इफ्तिताह समेत सर्किट हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। बहावलपुर तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी ने यूसुफ अकरम अब्बासी को सिटी से उम्मीदवार नामजद कर दिया। यूसुफ अब्बासी ने कहा कि पार्टी ने टिकट देकर जो एतमाद किया इस पर पूरा उतरूंगा। मुल्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनए 155 से टिकट उम्मीदवार डॉक्टर जावेद सदीकी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि हल्का एनए 155 में पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक्तदार में बहुत काम किया। अवाम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के तरक्याती काम पर वोट देंगे। मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी ब्रांच की शहर भर में कार्रवाइयां। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की 30 दुकानें सेल। कार्रवाइयां हमद कमर्शियल सेंटर, पीर बुखारी शाह कॉलोनी और सूरज कंड रोड पर की गई। लाहौर हाई कोर्ट में मेरिट पर टीचर्स भर्ती ना करने के खिलाफ तोहीन अदालत का केस। अदालती हुक्म पर डीसी बहावलनगर अजहर हयात हाई कोर्ट में पेश। डीसी को तोहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी, जवाब तलब। डेरा गाजी खान में जुमे के मुनासबत से शहर की बड़ी मस्जिद और इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। तमाम इबादतगाहों के बाहर 150 से ज्यादा पुलिस अहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात। पुलिस के साथ मकामी रजाकार भी ड्यूटी पर मामूर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शाहरुखन आलम के दफ्तर के बाहर धरना। 1.5 साल से पेंशन अदा न होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। बहावल नगर लेडी हेल्थ वर्कर्स का बकाया जात न मिलने पर डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज। दर्जनों हेल्थ वर्कर्स ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस का मेन गेट और शीशे भी तोड़ दिए। डीसी ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बकाया जात न मिलने पर धरना जारी रखने का ऐलान। डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी गेट पर तलबा का धरना, 61वें रोज में दाखिल। दो माह गुजर गए मगर कोई हुकूमती नुमाइंदा मुजाकरात करने नहीं आया। तलबा का शिकवा, तलबा मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने के फैसले पर कायम। बहावलपुर महकमा बिल्डिंग के वर्क चार्ज मुलाजमीन तनख्वाहों के हसूल के लिए डट गए। मुलाजमीन का एहतजाज 16वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाह की अदम अदायगी से वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन का हुकामे बाला से नोटिस का मुतालबा। डीजी खान नादरा ऑफिस तीन मरला स्कीम में इंतजाम का फुकदान। शहरियों के लिए साय का मुनासिब इंतजाम तक मौजूद नहीं। सालीन रोजे की हालत में तपती धूप में घंटों खड़े होने पर मजबूर। मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 36 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से बंद। वाटर प्लांट के नल और मोटर भी गायब। मशीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना।
मुल्तान जिला काउंसिल में इस माली साल का आखिरी बजट इजलास सोमवार को बुलाने का फैसला। इजलास की तैयारियां शुरू। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक हर माह बजट इजलास बुलाना जरूरी है, लेकिन जिला काउंसिल की जानिब से साल भर में सिर्फ 4 इजलास बुलाए गए। डीजी खान बस्ती मलाना के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस के रिक्शे को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाबाग, एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी, टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। बर्फ मेरे कारखाने से क्यों नहीं खरीदी, कोटरदू में बर्फ कारखाने के मालिक का मजदूर पर मुबैना तशद्दुद, बर्फ से लोड रिक्शा सड़क पर उल्टा दिया, मजदूर के कपड़े भी फाड़ दिए। रहीम मियां खान पीपल्स पार्टी रहनुमा मियां आमिर शहबाज और मखदूम उस्मान महमूद का यूसी 100P का दौरा, मकीनों से मुलाकातें की और मसाइल सुने। रहनुमाओं का कहना है कि जब तक जियाली मौजूद है पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी ही जिला रहीम मियां खान में क्लीन स्वीप करेगी। रहीम मियां खान महकमा ज़राअत का काम के काश्तकारों के लिए फ्रूट फ्लाई से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार, बागवानों को सब्सिडी पर अद्वियात फराहम, फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के बारे में रियायती कीमतों पर फ्रूट कंट्रोल मटेरियल भी दिया गया। माह रमजान का पहला अशरा जारी और खवातीन को ईद के कपड़ों की फिक्र भी सताने लगी, टेलर मास्टर्स की दुकानों पर रश बढ़ने लगा, दर्जियों का बिजली लोड शेडिंग का बहाना, सिलाई में इजाफा। और जनूबी पंजाब भर में गर्मी की लहर का कहर बरकरार, तेज धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों का किया बुरा हाल। दूसरी जाने मुल्तान में गर्मी के सताए अफराद मौसम की शिदत कम करने पहुंच गए नहरों और ट्यूबवेलों पर, ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी सुखाने लगे।